फॉर्मूला टैब में ये जो बटन है इंसर्ट फंक्शन का, इससे आप फंक्शन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो सारे फंक्शन है कैटेगरी वाइज भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल के सारे आ जाते हैं, और इसमें जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, डेट टाइम टेक्स्ट जो भी। ओके करेंगे उसके लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा उनके पैरामीटर्स। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आती है जिसमें आपका कर्सर होता है, ठीक है जी। अगर इस पर हेल्प चाहिए तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन कर सकते हैं, तो इसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको हेल्प एग्जाम्पल वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। देन बाकी ऑटो सम वाले कुछ फंक्शन है, एवरेज काउंट नंबर्स वगैरह फंक्शंस के बारे में आपको पता ही है। यहाँ पे नेम मैनेजर जो नेम डिफाइन करते हैं वो आपके सामने यहाँ पे इसके अंदर रहते हैं, नेम मैनेजर के। तो नेम मैनेजर करेंगे तो इसके अंदर आपको नेम अगर होंगे शीट में तो आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस सेल का कर दिया, इसमें मैंने डेट डाल दिया, डेट के लिए मैं इसको कंटेन कर रहा हूँ, A3 की जगह इसमें कर देता हूँ माई डेट, ठीक है जी। तो इसका नेम डिफाइन हो गया, तो नेम मैनेजर आपको दिखाएगा कि माई डेट में कौन सा रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। नया डालना है आप नया रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। नया डिफरेंस ऐड कर सकते हैं उसका नाम देकर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा रेफरेंस ही दें, फॉर्मूला भी उस नेम के अंतर्गत हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे करेंगे वो नेक्स्ट हम देखेंगे चार्ट्स वगैरह में, ठीक है जी। तो डिफाइन नेम भी सेम है आपका, नेम आता है कोई आपको रेंज सेलेक्ट करके उसका नाम देना है तो उसका नाम दे सकते हैं यहाँ से, और ओके करेंगे तो वो नेम एक हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपके यूजिंग फार्मूला माई डेट आ जाता है इक्वल टू फार्मूला कोई भी लगा रहे हैं उसमें, तो जैसे टेक्स्ट मैंने किया यूजिंग फार्मूला माई डेट, इसके अंदर आ जाता है जो इसके अंदर जो आपके एग्जिस्टिंग जितने भी नाम होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे इसमें कोई भी वो लगा सकता हूँ मैं, तो इस तरह से इनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ से जैसे आप सिलेक्शन करके उसमें से टॉप रो को बदलना है, उसमें से टॉप रो क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन सिलेक्शन टॉप रो लेफ्ट रो। ओके, जैसे आपका एक डेटा होता है ना, जैसे उनकी हेडिंग होती है तो हेडिंग के हिसाब से नाम बनाने हैं ना, तो आप सिलेक्ट करके उस डेटा को क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन करके आप बता सकते हैं कि टॉप रो से आपने नेम उठाने, तो उन सब रेंज की वो अलग अलग वो बना देगा, नेम्स बना देगा, ठीक है। ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस परसिडेंट डिपेंडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कल, मैं सिलेक्शन के बारे में बता रहा था, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है जी। अब इसका मुझे करना है कि इसका पेरेंट कहाँ पे है, तो ट्रेस परसिडेंट करूंगा तो ये एरो दिखा देगा कि आपका यहाँ पे ऐड है, रिमूव एरो एरो हटा देता है। इसी तरह से ये कहाँ कहाँ यूज हो रखा है तो ट्रेस डिपेंडेंट आप यूज कर सकते हैं, तो एरो की फॉर्म में आपको दिखा देता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे भी ऐड कर रखा है, ये एरो को पहले रिमूव कर दूंगी। मान लीजिए यहाँ पे भी आपने यूज किया हुआ है तो इसका ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे तो इन दोनों पे आपको एरो दिखा देगा कि यहाँ यहाँ यूज हुआ है, ठीक है जी। दूसरा आपको ये चीज देखनी होती है कि हमारी जो शीट पे कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है जी। तो फॉर्मूला देखने के लिए आपके पास है शो फॉर्मूला, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी शीट जो है इस तरह से बदल जाएगी और जहां जहां फॉर्मूला होगा आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो शीट नॉर्मल हो जाएगी। एरर चेकिंग, जो आपकी बैकग्राउंड एरर चेकिंग होती है वही होता है इसका,
तो यूजिंग एवेल्युएट फॉर्मूला आपको पता ही है, एवेल्युएट करने के काम आता है ये कैसे कैसे चला। ठीक है जी, वॉच विंडो, वॉच विंडो जो है इसमें आप कोई एक रेफरेंस रख सकते हैं और उसकी चेंजिंग देख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये मेरा ये माई डेट वाला है, अगर कभी चेंज होता है मैं ऐड वॉच, इस पे एड वॉच लगा दिया तो ये मुझे बता रहा है सैलरी 3 है, शीट में बुक 1 कौन सी है, वैल्यू क्या है। तो इसका कभी अगर चेंज होता है अपने वेरिएबल्स को देखने के लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक सेल की वैल्यूज इकट्ठा देखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है। तो ये यहाँ पे वॉच ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है जी, कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, यहाँ एक जगह आपको दिखा रहा है कि फॉर्मूला क्या लगा है, वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है जी, एक जगह पे कि वॉच विंडो यूज हो जाती है। हालांकि इसका यूज जो वॉच विंडो का कॉन्सेप्ट है ये है प्रोग्रामिंग से, क्योंकि सेल के अंदर तो आपको पता ही, आप यहाँ भी देख सकते हैं, पर जहाँ प्रोग्रामिंग होती है तो वहाँ वेरिएबल्स होते हैं जहाँ आप वैल्यूज को देख नहीं सकते कि उसके अंदर क्या वैल्यू पास हो रही है, तो उसके लिए वॉच यूज किया जाता है। ठीक है जी, इसमें एक्सेल में तो खास यूज नहीं है इसका। कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑप्शन कौन सा होता है आपका, ऑटोमेटिक और मैनुअल पे सेट होता है। ठीक है जी, ऑटोमेटिक या मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें कैलकुलेट करके दे देता है। यहाँ जो है अगर हमारा ऑटोमेटिक पे सेट होता है तो इसमें कोई भी चेंज करें हमें इमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे दिख जाता है। अगर ये मैनुअल पे सेट होता है तो हम कोई भी चेंज करें तो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखता। रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट नाउ। ठीक है जी, कैलकुलेट शीट भी उसी का ही ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ऑटोमेटिक रहने देते हैं। मैनुअल इसलिए करते हैं कि कई बार हमारे शीट में बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं और कैलकुलेशन में काफी टाइम ले लेता है, प्रोसेसर को बिजी कर देता है, हैंग कर देता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना काम कर लें और उसके बाद में कैलकुलेट करें ताकि हैंग की प्रॉब्लम ना हो, तो हम इसको मैनुअल पे सेट करके फिर काम कर लेते हैं और देन फिर इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, ताकि हैंग की प्रॉब्लम से बचा जा सके। देन आते हैं डेटा। अब ये जो डेटा है इसमें आप कई अदर जगह से भी अपना डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेस से ला सकते हैं इसके अंदर, वेबसाइट से ला सकते हैं, किसी नोटपैड की फाइल से ला सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेस से लाना। एक्सेस में मैंने कहीं डेटाबेस बनाया, ठीक है जी, यहाँ से मुझे एक्सेस सिलेक्ट करना है कोई फाइल जो डेटाबेस में, उसमें ये दिखा रहा है कि किस तरह से आपको डेटा चाहिए। मैंने कहा मुझे शीट 2 पे चाहिए या न्यू वर्कशीट पे कर देता हूँ, टेबल की फॉर्म में चाहिए, पाइवट टेबल के उसमें चाहिए, मैं डायरेक्टली पाइवट टेबल भी लगा सकता हूँ। अगर पाइवट टेबल करूंगा तो पाइवट टेबल बन के आ जाएगी, टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा आ जाएगा, जितना भी डेटा उसके अंदर था वो टेबल की फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, और अगर मैं चाहूँ तो पाइवट टेबल की फॉर्म में भी लाया जा सकता है उस डेटा को। डेटा में जाके फ्रॉम एक्सेस में ये था हमारा, और पाइवट टेबल की फॉर्म में अगर मैं लाता हूँ तो यहाँ मेरे पास पाइवट टेबल आ गई, उसकी पाइवट टेबल क्रिएट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एक्सेस से और देखते हैं डेटा के अंदर, वेब से, किसी वेबसाइट से आपको डेटा लाना है। ठीक है, तो वेबसाइट से कैसे लाते हैं, कोई एक नॉर्मल वेबसाइट ले लेते हैं जो अपना कोई अपडेट शो करती है। इसमें ज्यादा वो तो नहीं होते हैं, ज्यादा आप वो नहीं लगा सकते, पर थोड़ा बहुत HTML की स्लाइड्स का डेटा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये चूज कर लिया कि मुझे इस साइट से कुछ डेटा चाहिए, तो इसमें मुझे फ्रॉम वेब में जाऊंगा और यहाँ पे वो एड्रेस टाइप कर दूंगा, वो करूंगा।
है जी। तो इस तरह से मेरे पास ये ब्राउजर खुल जाएगा, ये एक्सेल का इंटरनल ब्राउजर होता है। ज्यादा ही बड़ा हो गया, यहाँ से इसका साइज कम कर। अब जहां जहां से ये डेटा उठा सकता है ना, उसके आगे क्या आ जाता है, इस तरह से निशान आ जाते हैं, ये येलो मार्क्स देख रहे हैं ना, इस तरह से आ जाते हैं। जहां जहां से ये डेटा उठा सकता है, और जब उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे राइट कर देते हैं, तो ये वहां से डेटा उठाने लायक हो जाता है। तो अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, तो ये उस वेबसाइट का डेटा उठा के इसमें इंपोर्ट कर देगा। ठीक है जी, कहाँ करना है? ठीक है जी, तो जो डेटा ला सकता था वहां से ले आया ये। हालांकि इस तरह की जो ऑटोमेटिक अपडेट होती है साइटें, वहां से डेटा लाना मुश्किल होता है। कोई नॉर्मल आपकी HTML की साइट हो तो वहां से डेटा लाया जा सकता है। जैसे इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक अपडेशन चल रहा है, इस कारण से इसको पकड़ नहीं रहा है। कहीं आपके पास जैसे कोई लिस्ट सर्च कर देते हैं, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, कोई हल्की साइट देखते हैं। यहाँ से डेटा लाने, इसमें मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे फ्रॉम वेब यहाँ कर दिया। अब वो आपको निशान देखना है कि वो निशान कहाँ कहाँ बना रहा है। ठीक है जी, यहाँ निशान बना रहा है जिसके अंदर ये डेटा की लाइन दिखा रहा है, सिलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट कहाँ करना है, नहीं यहाँ करना है। क्या कह रहा है, न्यू वर्कशीट में कर दो। तो वो लिस्ट मेरी थी, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे वेब से छोटा मोटा डेटा आप उठा सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, सर हाँ जी सर। सर अगर यही वेब से जो डेटा उठाते हैं, अगर वो मतलब जिस आपने उठाई टेबल है, अगर वो टेबल पेजेस के अंदर हो, मतलब एक वेबसाइट के ऊपर 3-4 पेजेस हैं वो हाँ एक ही डेटा के, तो उठाकर सारा का सारा ऑटोमेटिकली के मैन्युअली करना पड़े, नहीं, मैन्युअली आपको इसी तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है कुछ जी, मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ, या तो पूरी साइट इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो सर यही तरीके होते हैं। अब जैसे इसको मैं सेव कर देता हूँ CSV के अंदर, डेटा को नॉर्मली इसमें नोट पैड में सेव कर देता हूँ। आई थिंक टैब के उसमें कर रहा है, तो सेव एज कर देता हूँ। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ए के नाम से। ठीक है जी, अब यही डेटा मुझे टेक्स्ट की फाइल से उठाना है। ठीक है जी, तो फ्रॉम टेक्स्ट, ये भी। अब उसमें ऐसे करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम खुलता है कि आप क्या बेस पे उठाना चाहते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट से उठा लीजिए। एक होता है डिलिमिटेड, जिसके अंदर आपके पास होता है टैब के बेस पे सेपरेट करना है या सेमी कॉलन के बेस पे सेपरेट करना है। ठीक है जी, तो ये टैब के बेस पे ही सेपरेट हो रखा है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करके फिनिश करूँगा, ये सारा डेटा मेरा उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। दूसरा तरीका है कि एक हम अपने आप मैनुअल छांटते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता, मैनुअली देखना पड़ता है, ERP की रिपोर्ट है, तो फिक्स्ड विड्थ करके चलते हैं और यहाँ से क्लिक क्लिक करके इनकी विड्थ डिसाइड करते हैं कि ये विड्थ रहेगी, ये विड्थ रहेगी। कई बार नहीं पता होता, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं मैनुअली। ERP की जब रिपोर्ट्स होती हैं, तो
इसी इस तरह से अलग अलग कॉलम बांट देता है, ठीक है जी। तो हालांकि इसमें अभी गड़बड़ दिखा रहा है, बट अगर कई रिपोर्टें ऐसी होती है जिसमें इसी फॉर्मेट से आपको लेना पड़ता है, तो आप उनको टैब के बेस पे भी ले सकते हैं, सेमी कॉलम के बेस पे, या किसी और सीएसवी होती है कॉमा के बेस पे ले सकते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका एचक्यूएल सर्वर वगैरह आता है, ठीक है जी। एचक्यूएल सर्वर में इसमें आपको सर्वर का नाम देना होता है और यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, डेटा का प्रोसीजर सेम जैसे एक्सेस से उठाया था, ठीक है जी। अभी मेरे पास कोई एचक्यूएल सर्वर नहीं है, नहीं तो उठा के दिखा देता। एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जो आपने यूज किए थे वो सारे कनेक्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे ए फाइल से आपने देखा, डेटाबेस एक्सेस वाला देखा, तो वो सब होते हैं, जिसको भी चाहिए कि तो वो करके ओपन कर दीजिए, अलग अलग फॉर्म आ जाएगी, वो डेटा वैसे आ जाएगा, ठीक है जी। देन इसमें क्या होता है, एक्सएमएल फाइल भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है जी। कोई एक्सएमएल फाइल हो आपके पास तो एक्सएमएल फाइल चूज करके यहां से उठा सकते हैं। हालांकि एक्सएमएल फाइल मेरे पास यहां नहीं है, एक्सएमएल फाइल से भी उठा सकते हैं। डेटा कनेक्शन विजर्ड, तो एसक्यूएल सर्वर का आपको पता है, उसके अलावा और एकल वगैरह से करना है कभी तो ओडीबीसी अदर एडवांस में आपके पास रहते हैं, ठीक है जी। और भी ऑप्शन रहते हैं किसी भी डेटाबेस से, मोस्टली आपको उसका ड्राइवर सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है जी। तो इधर से उठा सकते हैं, तो डेटा का सारा काम अपना इधर से कराया जाता है। उसके बाद जो डेटा ला रहे हैं, जैसे ये डेटा आया तो वहां मान लीजिए फाइल में अपडेट हो गया, तो आप यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा मतलब फ्रेश हो जाएगा। देन आपके पास सॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, एडवांस फिल्टर देखते हैं, एडवांस फिल्टर क्या क्या करता है। डेटा को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है जी। नॉर्मल फिल्टर तो आपको पता है क्या करता है, एडवांस फिल्टर देखते हैं क्या करता है। एडवांस है, एडवांस एक तो मैंने बताया था कि यूनिक रिकॉर्ड छांटने के लिए कई बार इसका यूज किया जाता है, पर जैसे फिल्टर करना है क्राइटेरिया लगाना है आपको। अब क्राइटेरिया में जैसे दो तीन क्राइटेरिया हो गए, मैं इनकी हेडिंग्स ले देता हूँ और यहाँ क्राइटेरिया कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा संदीप और महेश का डेटा दिखाना है, पर प्रदीप और महेश का, प्रदीप का पलवल का दिखाना है स्पेसिफिकली, और क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रदीप का पलवल का नॉर्मल रहेगा, कोई भी डेटा दिखा सकता है, पर महेश का जो दिखाए वो ग्रेटर देन 50 दिखाए। तो इस तरह से मैंने क्राइटेरिया सेट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद डेटा जो मैंने इंपोर्ट करना है यहाँ करना है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, एडवांस पे जाऊंगा, लिस्ट रिंग कॉपी टू अनदर लोकेशन मैंने यहाँ पे दिखाना है। अगर इसी जगह फिल्टर करना है इसके बेस पे तो कॉपी टू की जरूरत नहीं, बस आपने लिस्ट रेंज देनी, ये दे दिया, देन क्राइटेरिया रेंज देनी है, तो क्राइटेरिया मैंने ये दे दिया, ठीक है जी। ओके किया तो उसके हिसाब से डेटा फिल्टर हो गया, ये एडवांस फिल्टर हो गया, ठीक है जी। महेश का देखेंगे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट में है ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, महेश का ग्रेटर देन 50, तो प्रदीप का पलवल वाला डेटा है तो पलवल का ही मिलेगा अगर जहां जहां प्रदीप होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप हमने क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर अनदर लोकेशन पे चाहिए तो आपको लोकेशन देनी पड़ेगी कि कहाँ डेटा कॉपी करना है, ये आप सेम शीट पे ही कर सकते हैं किसी अलग शीट पे। तो यहाँ पे आपको ये डेटा इसने अलग से पिक करके दे दिया है, अभी ये फिल्टर्ड है इस कारण से ये नहीं दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल करके, तो मेरा डेटा जो है यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है जी, डेटा पूरा कॉपी है। एडवांस फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम मैंने बताई दिया है,
टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज करना है। बीच में मैंने एक यूज और बताया था टेक्स्ट टू कॉलम का कि कई बार डेट गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये डेट लिख दी कोई, किसी ने ऐसे लिख दी, ठीक है जी, किसी ने ऐसे लिख दी, मतलब अलग अलग पैटर्न में लिखते हैं, बट इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पहले डेट लिखी गई है, फिर मंथ लिखा गया है, और फिर ईयर लिखा गया है, ठीक है जी। तो इसी पैटर्न को हम टेक्स्ट टू कॉलम में डाल देते हैं, बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, सीधा आगे आ जाइए और यहाँ पे डेट फॉर्मेट डेट सिलेक्ट करके DMY कर दीजिए, मतलब डेट मंथ और ईयर, फिनिश करेंगे यहीं के यहीं आपकी डेट चेंज होकर रेगुलर डेट फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है जी, जो डाली होगी। अब क्या होता है कि कई बार मेरे से एक और गलती होती है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने डालना है 3 जुलाई, मैं क्या कहा 3/7/14 इस तरह से लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने कहा कि 4 मई इस तरह से लिख दिया, बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने कन्वर्ट करके देखा तो मेरी डेट्स जो थी उल्टी पड़ गई थी। इस तरह की भी डेट्स को अगर सही करना है तो आप वही चीज यूज कर सकते हैं कि मैंने जो डेटा एंटर किया था वो DMY में किया था, ठीक है जी, डेट में जाके DMY सही कराएंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा जो आपने एंट्री की, ठीक है जी। तो एंट्री मिस्टेक्स को कुछ हद तक डेट को सुधारा जा सकता है, ठीक है जी। बाद में अगर आपके कुछ डुप्लीकेट्स वगैरह के इशू हैं, डुप्लीकेट्स वगैरह आपने हटाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट थी रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे, तो यहाँ से ये डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, ठीक है जी, यूनिक लिस्ट बना देगा। देन डेटा वैलिडेशन देखते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में काफी हमारे काम की चीजें हैं। डेटा वैलिडेशन होता है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि किसी कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट करता है, इसी तरह डेटा वैलिडेशन वो तो खाली फॉर्मेट करता है, ये आपको उस रेंज में होना ही पड़ेगा, अगर कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो ये एंट्री ही नहीं करने देता, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है, हमारा बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू पे सिलेक्टेड है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा है होल नंबर, होल नंबर मतलब कि आपका जैसे बिटवीन हो, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, मैंने कह दिया कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से 50 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ 9 डालता हूँ तो ये मुझे एरर दिखाता है, ठीक है जी, 11 डालूंगा तो कोई एरर नहीं दिखाता, ठीक है जी। तो इस तरह से हम डाल सकते हैं इसके अंदर वैलिडेशन। देन दूसरा है डेसिमल, अब जो है 10 से 50 के बीच की है तो उसमें आप डेसिमल नहीं एंट्री कर सकते, अभी तक क्या था कि वो था, अगर मैं 10.5 भी करूं तो एरर दिखाएगा, पूरा नंबर ही डलेगा, ठीक है जी। तो डेसिमल अगर आपको चाहिए तो डेसिमल में मैंने एक फिट कर दिया, तब आप इसमें डेसिमल भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी आप बना सकते हैं अपना, यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल, इक्वल टू इतना ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 10 ही होना चाहिए, या ऐसे करके कंडीशन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट, लिस्ट का मैंने आपको बताया था कि कहीं से भी लिस्ट चूज कर देते हैं वो अपने डेटा वैलिडेशन में आ जाती है, जैसे यहाँ पे कोई लिस्ट मैंने बना दी है, इस तरह से कोई लिस्ट आपने यहाँ पे देनी है डेटा वैलिडेशन में, तो डेटा वैलिडेशन में आप लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी लिस्ट, या तो आप रेंज दे सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब इसके अंदर ये लिस्ट की वैल्यू आने लगी, बट आप इस लिस्ट के अलावा और कुछ एंट्री नहीं कर सकते, कुछ
और एंट्री करना चाहें तो एरर दिखाएंगे, इसी लिस्ट में से चूज कर सकते हैं। देन आगे लिस्ट के अंदर एक और चीज होती है अपना इनडायरेक्ट का फंक्शन, मैंने आपको बताया था। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ आदमी है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, इसको मैंने कर दिया एचआर और इसको कर दिया एडमिन, ठीक है। ये दो लिस्ट बनाई, नाम को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तीन तीन कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट डालूं और आगे वाली लिस्ट में उससे रिलेटेड नाम आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है कि इसका मैं इनके दोनों के नाम बदल सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने एचआर बना दिया, ठीक है, सेम नाम दे दिया जो मैं हेडिंग में चाह रहा था एचआर, और ये इसको कर दिया मैंने एडमिन, ठीक है। ये एचआर एडमिन करके दो बना दी और इस लिस्ट में मैंने डाल दिया, मैंने कर दिया एचआर और एडमिन, दो एंट्री डाल दी इस लिस्ट में, तो अब मेरे पास हो गई। अगली जगह मैं एक फार्मूला यूज करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ जो लिस्ट डालूंगा इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, किसी टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। हमारी जो नेम्ड रेंज होती है वो भी एक टाइप का एड्रेस ही होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट का हम यूज कर सकते हैं यहाँ, इनडायरेक्ट का फंक्शन और नेम्ड रेंज जो कि मुझे इस रेफरेंस से ले लूंगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है जी। इनडायरेक्ट, अब क्या होगा कि यहाँ अगर मैं एचआर सिलेक्ट करूंगा तो इनडायरेक्ट लिस्ट को क्या पास करेगा, एचआर, तो एचआर की लिस्ट में ये नाम है। अगर यहाँ एडमिन सिलेक्ट करूंगा तो इनडायरेक्ट क्या पास करेगा, एडमिन, एडमिन की लिस्ट में ये नाम है। तो देखते हैं कि सही करता है नहीं करता। तो एचआर वाले में एचआर वाले के नाम आ रहे हैं, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ से चेंज कर देता हूँ एडमिन के, तो यहाँ मेरे पे एडमिन वालों के नाम आ रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं जैसा चाहे। आगे देखते हैं डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट के बाद डेट है, मतलब बिटवीन की डेट और ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, सारे वही आपके लॉजिक्स चलेंगे। डेट अगर आप डालना चाहते हैं, टाइम का भी सेम ऐसा ही है। टेक्स्ट लेंथ, अब टेक्स्ट लेंथ जो है कि आप उसमें भी ये लॉजिक सेट कर सकते हैं कि इसकी जो है मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो 10 होनी ही चाहिए, ठीक है जी। लेंथ जो है 10 ही होनी चाहिए, और 10 से कम अगर डालूंगा तो एरर, मुझे एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी एक्सेप्ट करेगा। देन उसके बाद है कस्टम। अब कस्टम के अंदर जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला यूज करते हैं, इसी तरह से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं कि आप देखिए, एक एग्जांपल करते हैं इसका। मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं और मान लीजिए मैं कोई क्रेडिट कार्ड की कंपनी चला रहा हूं, ठीक है जी। अब वो परचेज कर रहे हैं तो अमाउंट लगा देते हैं, ठीक है जी। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब मैंने क्या किया, जिसको भी क्रेडिट कार्ड दिया है मैंने कहा है कि वो 10,000 से ज्यादा परचेज ना कर पाए, ठीक है जी। 10,000 से ज्यादा पे एंट्री एक्सेप्ट ही ना करे, या 10,000 क्रेडिट से ज्यादा ले ही ना, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ट्रू होने के केस में हमें एंट्री करने देगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से उल्टे फॉर्मूले लगते हैं उसमें, उसमें क्या होता है कि ट्रू होने के केस में वो हाईलाइट कर देता है,
ठीक है जी, जो हाईलाइट जो है हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं उसमें, ठीक है कंडीशन, पर इसमें जो ट्रू होने के केस में हमें एंट्री करने देगा, यानी पॉजिटिव केस में यूज करते हैं, ठीक है जी। तो कब एंट्री करने दें हमें, मैं क्या करता हूं कि एक फॉर्मूला लगाता हूं कि काउंट, यहां पे कुछ बन गए, ठीक है जी, इन्होंने कुछ कर दी परचेज, ये 10,000, ये 11,000, ठीक है, तो मैंने फार्मूला एक लगाना है काउंट पे, इसकी तो फुल रेंज ले लेनी, काउंट इफ्स लगाऊंगा, मल्टीपल क्राइटेरिया होगा ना इसके अंदर, काउंट इफ्स, पहली चीज तो क्राइटेरिया वन की रेंज मैंने ये दी और क्राइटेरिया वन ये दे दिया, फिक्सिंग का पूरा ध्यान रखूंगा, और इसमें मैंने क्या लॉक कराना है, कॉल कि उसमें जो नाम हो पहले तो यही हो, यहाँ पे अगर चेक करें तो ये नाम चेक करें, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि जो वैल्यू है या सम इफ लगा लेते हैं, काउंट इफ में सम इफ, क्योंकि हमें सम चाहिए ना, सम रेंज सबसे पहले मांगेगा सम रेंज, तो सम रेंज में मैं सम रेंज यहां से दे देता हूं, ठीक है जी। फिर क्राइटेरिया वन रेंज ये हो गया, चलो संदीप का हो गया, देन क्राइटेरिया टू रेंज क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया टू कुछ नहीं, यहीं तक देखते हैं खाली, जहां संदीप है उसका सम करके बताया मुझे, ठीक है जी। तो यहां वैल्यू आने लगी, अब मान लीजिए यहां पे अगर मेरा पड़ गया 5,000, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है जी। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है कि अगर ये ग्रेटर देन 10,000 है, ठीक है जी, अभी तक तो नहीं, और मान लीजिए किसी ने 10,000 की परचेज करी दी, ट्रू हो गया, अब हमने करना है कि ट्रू के केस में, अब यहां तो ट्रू आ रहा है, तो मैंने बताया था रिजल्ट पलटने के लिए आपको क्या करना है, नॉट का फॉर्मूला लगाना है। तो अभी यहां मैं इसको लेस देन भी कर सकता हूं, बट अभी फिलहाल मैं इतना कंफ्यूज नहीं होगा, तो नॉट का फॉर्मूला उल्टा लगा दूंगा, तो ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 10,000 नॉट ने बदला नहीं किया, अच्छा फॉल्स ट्रू के केस में हमें एंट्री करने देगा, तो ठीक है ठीक है ठीक है, सही आ रहा है जी, फॉल्स हो गया। अब ये फॉर्मूला तो ये आगे एंट्री नहीं करने देगा हमें, जो एंटर हो चुका एक बार हो चुका, इसमें क्या होता है कि जो एक बार आपने एंट्री कर दी वो कर दी, आगे नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है जी। तो मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं जहां तक मैंने लगाना है, या एक पे लगा लेता हूं पहले, यहां पे करके कस्टम पे मैंने लगाया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, वैलिडेशन कॉपी करके यहां से और यहां सेलेक्ट कर लिया जहां तक जानी, पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन पेस्ट मार दिया, ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, ये हरीश 200 की करिए, अब इसमें मैं 10,000 की शॉपिंग करवा देता हूँ तो एंट्री नहीं करने देगा, इसी जगह अगर 5,000 की करता करने देगा, ठीक है जी। हरीश आगे बढ़ा और खरीद लू, 3,000 की और खरीद लिया उसने, फिर हरीश आगे बढ़ा कि मैं 6,000 की और खरीद लू, तो आ गई एरर, ठीक है जी।
इसी तरह विकास 10,000 के खरीद चुका है और कुछ मान लो 100 रुपए और यूज करना चाहता रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोग कंडीशन बना सकते हैं और इधर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है जी। डेटा वैलिडेशन कंसोलिडेट का यूज नहीं होता, इसको भूल जाइए, इसका कोई प्रैक्टिकली यूज भी नहीं है। कंसोलिडेट का बेसिक मीन होता है कि आप यहाँ पे आपका सेम शीट में एक ही तरह का डेटा हो, उनको कंसोलिडेट करके, जैसे कंसोलिडेशन करते हैं ना, सम कर देते हैं, तो उस तरह से। पर ये बड़े डेटा पे कारगर नहीं है, तो हमारे लिए है भी, ठीक है जी। व्हाट इफ एनालिसिस, इसके लिए मैं सेपरेट अलग से आपको दूंगा, ठीक है जी। ग्रुप अन ग्रुप देख लेते हैं। जैसे आपने ग्रुप बनाना है कि ये जनवरी वाली एक साथ आ जाए, तो यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप रोल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, एक माइनस का साइन आ गया आपके पास, जनवरी वाली अलग हो गई मार्च वाली, ठीक है। ये प्लस माइनस कर लेंगे, ये डेटा वही होगा पर आपको दिखाएगा, ठीक है जी। ग्रुपिंग हो जाती है, तो ऐसे जनवरी का मैंने इकट्ठे कर लिया, फिर मैंने फरवरी का ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग आप लेवल वाइज कर सकते हैं। ग्रुप अन ग्रुप को छोड़ दीजिए, वैसे ये वैसे आपके काम नहीं आने वाला। अभी जैसे ये आपने देखा कि जनवरी यहाँ से कर लिया, फरवरी यहाँ से कर लिया, अलग अलग जगह पे आपने कर लिया, ठीक है। बेसिकली इसका यूज करते हैं हम सब टोटल के साथ, जिसमें आपका सारा हो जाता है। शो हाइट डिटेल, ये इसी तरह से बटन भी है आपके, हाइट कर देते हैं, शो कर देते हैं। इनका यूज हम लोग नहीं करते हैं मोस्टली, सब टोटल का कई लोग यूज करते हैं, बट सब टोटल का भी नहीं करते हैं क्योंकि पाइवट टेबल उसका काम कर देती है और इसके साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए सब टोटल का यूज कम करते हैं, हालांकि करते तो हैं। पर किस केस में, आपका डेटा पहली चीज तो सॉर्टेड होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नहीं हर एक बंदे का मुझे टोटल बनाना है। मैं क्या करता हूँ, इनको सॉर्ट कर लेता हूँ, पहले नेम वाइज सॉर्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी। तो हर एक आदमी का अलग अलग सॉर्टिंग हो गई यहाँ। अब मैंने क्या करना है, सब टोटल करना है। पहले मैं इसका डेटा सिलेक्ट करूंगा, हालांकि टेबल की फॉर्म में ये चीज नहीं हो सकती है, तो टेबल से हटाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट टू रेंज कर दिया, ठीक है जी। रेंज में आ गया, अब सब टोटल लगा सकते, ठीक है जी। सब टोटल में क्या होता है कि आपके सारे के सारे पहले तो हेडिंग आ जाते हैं। अब मैंने बताया कि हर एक नेम के नीचे सब टोटल ऐड करना है, तो नेम कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सम करूंगा। सम एवरेज कई तरह के फंक्शन यूज करते हैं, और कौन कौन सी रेंज जो हेडिंग से हमारी वो टोटल होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि सारी सेल्स वाली होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने सारी सेल्स वाली पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि ये सेपरेट इस तरह से आपको ग्रुप करके दिखा रहा है कि हाँ अभिषेक का टोटल इतना हुआ, फिर हरीश पे जाएंगे तो हरीश का टोटल इतना होगा, ठीक है। और हर जगह वही फॉर्मूला लगा हुआ है आपका सब टोटल वाला, ठीक है। महेश का टोटल कितना हुआ, ये हुआ, और सबसे नीचे इसमें आ जाता है ग्रैंड टोटल अपना। तो डेटा को फटाफट से अगर आपने टोटल वगैरह मारना है, तो सब टोटल सबसे बढ़िया तरीका है, बट डेटा आपका सॉर्टेड होना चाहिए। और दूसरा ग्रुपिंग भी लग जाती है, जैसे एक पे मैंने किया तो ग्रैंड टोटल दिखा रहा है, दो पे दिखा तो हर एक का टोटल दिखा रहा है कि कितना कितना हो गया, समरी टाइप का प्रिंट लेना है आप इस तरह से भी ले सकते हैं, तीन में पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो मोस्टली ये काम हम प्राइवेट टेबल से भी कर लेते हैं, बट अगर छोटा मोटा काम है तो सब टोटल से चल जाता है अपना, ठीक है। आगे चलते हैं रिव्यू में, स्पेलिंग स्पेल चेक वगैरह होता है इसमें, इसकी कोई जरूरत नहीं। कमेंट डालना है तो कमेंट के लिए शो एंड हाइड कमेंट, कमेंट आपने डाल दिया यहाँ पर, हर बार आपको देखना है कि किसमें क्या क्या कमेंट डाल रखा है आपने, तो शो एंड हाइड कमेंट का बटन होता है आपके पास,
ठीक है जी, इसको कर देंगे तो हाइड हो जाएंगे, इसको कर देंगे तो सारे एक साथ दिखाएंगे। ठीक है जी, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट शीट का आपको दिखा रहा है, शेयर वर्कबुक का आपके पास कोई यूज नहीं है, वैसे शेयरिंग हमारी उससे भी हो जाती है, क्या नाम है, नेटवर्क पे शेयर करते हैं जो हम, उससे भी हो जाता है। ठीक है जी, ट्रैक चेंजेस भी हालांकि यूज नहीं करते हैं, बट ये कर भी सकते हैं अगर मल्टीपल आपने किसी को चेंज के लिए दिया है। ठीक है जी, आपने अपने कलीग को दे दिया कि आप इसमें कुछ मुझे चेंज करके दे दो डेटा में, तो उसने क्या चेंज करके दिया है वो आपको बता सकता है, ये हाईलाइट चेंज करके, ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर। तो इसमें किसने क्या क्या चेंजेस किया है ये आपको करके दिखाता है, अगर ट्रैक चेंजेस ऑन रखते हैं तो आपको ये बताता है। हाईलाइट चेंजेस पे मैं कर देता हूँ, ट्रैक चेंजेस हाईलाइट चेंजेस व्हेन ऑल टू एवरीवन, या कोई स्पेसिफिक एरिया की यहाँ कोई चेंज करे तो। ओके, इसको सेव कर देता हूँ, सेव के बगैर नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे जब मैं जो भी चेंजेस करूंगा यहाँ पे इस तरह से निशान बन के आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या था, चेंज सेल J6 फॉर्म 71 टू जिस वैल्यू पे हुई है। ठीक है जी, जहां जहां जो भी चेंजेस होगा वो आपको दिखा देगा, और किस यूजर ने कितने टाइम पे करी है वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है जी, अब आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। ठीक है जी, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस चूज कर सकते हैं, तो यहां से आप चूज कर सकते हैं कौन कौन से यूजर है आ जाता है। ठीक है जी, एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल, या एक एक करके एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट ऑल, तो सारे चेंजेस जो हैं एक्सेप्टेड हो गए। फिर ट्रैक चेंजेस को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, जब हटाना हो तो यहाँ से हटा के ओके कर दीजिए। ठीक है जी, फिर वो हट जाएगा, फिर वो ट्रैक चेंजेस नहीं देगा आगे। ठीक है जी, व्यू में आपका यहाँ पे पेज व्यूज हैं अपने, पेज ब्रेक, पेज लेआउट व्यू। ठीक है जी, फुल स्क्रीन, ग्रिड लाइन दिखानी है, रूलर दिखाना है, हेडिंग दिखानी है, ये आपके यहाँ कई बार गायब हो जाते हैं तो कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। ये जूम करना है, अरेंज वाले, एक से ज्यादा वर्कशीट खुली हुई है तो एक साथ आप इनको चूज कर सकते हैं, टाइल हॉरिजॉन्टल कास्केड में ना अरेंज कर देता है, जैसे दो वर्कशीट खुली हुई अरेंज वाले में हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये ऊपर नीचे खुल गया। ठीक है, पेन फ्रीज करना, अब देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ तो हेडिंग गायब हो जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ना ऊपर से हेडिंग फिक्स हो जाए, तो फ्रीज पेन आपका होता है, फ्रीज पेन। ठीक है जी, तो सिलेक्शन में जो फ्रीज पेन हो गया तो ऊपर वाली लाइन फिक्स हो जाएगी, अनफ्रीज कर देता हूँ। ठीक है जी, एक जगह कहीं क्लिक करके करते हैं, मान लीजिए आपको डेट भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो एक जगह यहाँ क्लिक कर दीजिए, इसे ऊपर वाली रो और इधर की साइड वाले कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। तो आप इधर भी जा सकते हैं, और अगर इधर जाते हैं तो आपका ये एक कॉलम जो है बचा रहता है। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं शीट को, स्प्लिट में क्या है कि एक बार आ जाती है आप एक ही शीट पे, स्प्लिट भी वैसे ही हो गया, ये चार सेक्शन में हो गया। ठीक है, अलग अलग, जैसे आपका डेटा कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, वहां वहां देखना है, तो यहां से मैं अलग कर देता हूँ, इधर से अलग कर देता हूँ, दोनों को कंपेयर करना हो तो स्प्लिट का यूज किया जा सकता है। हाइड विंडो, विंडो हाइड हो गई, अनहाइड करना है तो वो आपको सामने दोबारा आ जाएगी। न्यू साइड बाय साइड, जैसे दो ये वर्कबुक है अलग अलग डेटा है, तो जब मैं ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग करता हूँ तो दोनों एक साथ स्क्रॉल होते हैं, जिस रो पे ये होगा है उस रो पे ये होगा।
अगर सिंक्रोनाइज नहीं करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो एक एक तो करके देख सकता हूँ ये दोनों वर्कबुक पर, क्लोज कर देता। सेव वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है कि जब कई बार कई लोगों की आदत होती है कि एक साथ तीन फाइलों पे काम करते हैं, चार फाइलों पे काम करते हैं, डेली की डेली उन्हीं फाइल को खोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ एक ये सैंपल वाली फाइल पे करता हूँ डेली, और मान लीजिए एक ये लुकअप एंड रेफरेंसेस वाली फाइल, इन दोनों पे काम करता हूँ, तो ये मेरी दोनों वर्कबुक खुली हुई। अब मैं क्या करूँगा, पहले अरेंज कर लेता हूँ, फिर सेव वर्क स्पेस कर देता हूँ। सेव वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। यस सारी फाइल सेव हो गई, क्लोज कर देता हूँ। अब वर्क स्पेस जब भी मैं खोलूंगा, ये अलग से फाइल है, ये एक्चुअली में एक लिंक होता है, फाइलें अलग सेव है, ये क्या करेगा आपके वर्क स्पेस को उतनी ही फाइलें दोबारा खोल देगा। ये दोनों हो गई, ये दोनों की दोनों की भी आ गई, ठीक है जी। तो वर्क स्पेस का ये यूज होता है, दोनों के बीच में कौन सी किसको एक्टिव करना है, शीट को इस पे काम करना है या अगली वाली पे करना है, या लुकअप एंड रेफरेंस पे, तो यहाँ से आ सकता है। मैक्रो कौन कौन से हैं आप ये मैक्रो देख सकते हैं, ठीक है जी। ताकि फिर डेवलपर टूल बार आपकी जो है VBA के लिए यूज होती है, जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है जी। तो हमने ऑलमोस्ट हेडिंग्स कवर कर लिए हैं, ठीक है जी। कल हम करेंगे पावर पाइवट और 2013 के एडिशनल ऑप्शंस, ठीक है सर।